दिल्ली के तुगलकाबाद में बना तुगलक का किला एक ऐतिहासिक किला है। कहा जाता है कि खिलजी वंश में जागीरदार रहे गाजी मलिक ने एक बार खिलजी को एक किला बनवाने की सलाह दी थी, जिस पर खिलजी ने गाजी मलिक का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जब तुम राजा बनो तो ही किला बनवा लेना। खिलजी की ये बात गाजी मलिक को इतनी चुभी कि उसने खिलजी पर आक्रमण कर दिया और उसे दिल्ली की सत्ता से हटाते हुए खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। उसके बाद गाजी मलिक ने बनवाया तुगलक का किला। इस किले में हम आपको 5 ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो कि किले के अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। यह किले का सबसे अच्छा व्यू पॉइंट माना जा सकता है। यहाँ से आपको पूरे शहर का नजारा दिखता है और साथ ही आता है ठंडी हवाओं का मजा। किंग प्लेस और किले के पीछे का हिस्सा आप यहां से देख सकते हैं और साथ ही यहां से आपको एक खूबसूरत झील भी नजर आती है। तुगलकाबाद किले में मीना बाजार को जमीन के नीचे बसाया गया है। फिलहाल तो यहां सिर्फ अंधेरा ही है, लेकिन माना जाता है कि तुगलक के काल में यहां खूबसूरत बाजार लगता था, जहां पर लोग अक्सर खरीदारी करने के लिए आया करते थे। फिलहाल यहाँ सिर्फ 13 दरवाजे हैं, लेकिन माना जाता है कि एक समय में किंग प्लेस में 56 दरवाजे हुआ करते थे। किंग प्लेस को गयासुद्दीन तुगलक का महल भी माना जाता है। किले के ठीक सामने यह मकबरा बनाया गया है। यह बेहद खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है। मकबरे में 3 कब्रें हैं। ऊंचे गुंबद वाला यह मकबरा बेहद शांत है। अगर तुगलकाबाद घूमने आए हैं तो इस मकबरे का दीदार करना बिल्कुल ना भूलें। माना जाता है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने तुगलक की किसी बात पर नाराज होकर उसे श्राप दिया था कि उसका किला तबाह हो जाए। इसे श्राप का प्रकोप कहें या सरकार की बेरुखी कि ये किला अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है, जहां आप सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए आ सकते हैं। तुगलक का किला फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा प्लेस है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक चीजों का दीदार भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस किले को हम वन टाइम विजिट की कैटेगरी में रखते हैं और इसकी रेटिंग है 2.5/5। मिलेंगे आपको किसी अगले वीडियो में किसी नए प्लेस के रिव्यू के साथ।